आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है निर्गमन की पुस्तक 5वां अध्याय वचन 10 से 23। तब लोगों के परिश्रम कराने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा, तुम ही जाकर जहां कहीं पुआल मिले वहां से उसको बटोर कर ले आओ, परंतु तुम्हारा काम कुछ भी नहीं घटाया जाएगा। इसलिए वे लोग सारे मिस्र देश में तितर बितर हुए कि पुआल के बदले खूंटी बटोरे। परिश्रम कराने वाले यह कह कह कर उनसे जल्दी करते रहे कि जिस प्रकार तुम पुआल पाकर किया करते थे, उसी प्रकार अपना प्रतिदिन का काम अब भी पूरा करो। और इसराइलियों में से जिन सरदारों को फिरौन के परिश्रम कराने वालों ने उनका अधिकारी ठहराया था, उन्होंने मार खाई और उनसे पूछा गया, क्या कारण है कि तुमने अपनी ठहराई हुई ईंटों की गिनती के अनुसार पहले के समान कल और आज पूरी नहीं कराई? तब इसराइलियों के सरदारों ने जाकर फिरौन की दोहाई यह कहकर दी, तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को पुआल तो दिया ही नहीं जाता और वे हमसे कहते रहते हैं, ईंटे बनाओ ईंटे बनाओ, और तेरे दासों ने भी मार खाई है, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो आलसी, इसी कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दो। अब जाकर अपना काम करो और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। जब इसराइलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनकी ईंटों की गिनती न घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके संकट के दिन आ गए हैं। जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे उन्हें मिले, और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहरा कर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। तब मूसा ने यहोवा के पास लौट कर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया।